क्या हुआ? बापू जी माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद नेटवर्क नहीं होगा, वरना माँ को बोल देते यहाँ ताऊ जी आए हैं। अरे ये ताऊ जी का तो ठीक है, मुझे वो कुत्ते से बहुत डर लगता है। उसे घर से बाहर निकालो या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये मेरी कमर। बेटा तुम यही हो? आओ बैठो बैठो। खाना भी शुरू कर दिया। वाह बेटा वाह, खा तू। अरे अमृतलाल, ये तुम ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हो? नीचे बैठो आराम से। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। छे, यहाँ तो चोरी करने लायक कुछ भी सामान नहीं है। हाँ, चांदी के बर्तन मंगवाता हूँ, वो तो हर घर में होते ही है। ये क्या है? खाना। अरे तुम लोगों को कस्तूरी ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? तुम लोग ये बात कैसे भूल गए कि मेहमान भगवान होता है और मेहमान को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है। और तुम मुझे ये सादे बर्तनों में खाना दे रहे हो। मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारे घर में चांदी का कोई सामान ही नहीं है। क्या है कि अमृतलाल, ये मेरा अपमान है। नहीं नहीं, आपका अपमान नहीं, ये तो हमारा अपमान है। क्या लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारे घर में चांदी का कोई बर्तन ही नहीं है? लेकिन दादाजी, हमारे घर में एक चांदी का ग्लास तो है। चलेगा चलेगा चलेगा, चांदी का जो कुछ भी है लेके आओ, चलेगा। मेरा मतलब, अब तुम लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। चल बेटा, दिखा अपनी ताऊगिरी और खोल डाल अपनी 400 बीसी की दुकान। ये क्या है? क्या है ये सब? कितना तला हुआ और भारी भरकम खाना खाते हो तुम लोग। अरे जरा महेश और रॉकी की टोन देखो। अपनी उम्र देखो, बच्चों का भविष्य देखो। मैं फैसला करता हूं कि आज से जब तक मैं इस घर में हूं, कोई भी कुछ भी तला हुआ नहीं खाएगा। लेकिन ये छी! यही संस्कार दिए है तुम्हें कस्तूरी ने कि तुम अपने बड़ों की बात न मानो। सॉरी 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 ताऊजी। ताऊजी ये नीचे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना है। मगर ताऊ जी, अभी तक तो आपने खाना खाया ही नहीं। बहू इस तरह से यह सब इस घर में नहीं चलेगा कि बहू इस तरह से बड़ों के सामने बिना पल्लू लिए घूमती फिरे, नहीं चलेगा। फिर ताऊ जी, ये तले हुए खाने का क्या करें? अरे उसमें समझना क्या है, इसे मैं मानो मेहर और ढोकला खा जाएंगे। लेकिन ताऊ जी ये तो छे 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 छे, यही संस्कार दिए है तुम्हें कस्तूरी ने। ताऊ जी मैं तो, अरे मैं तो ये बोल रहा था कि आपके चांदी के बर्तन में पानी मैं ही डालूंगा। क्या ग्लास कहाँ गया? अरे ये कुत्ता चांदी का ग्लास खा गया। ये कुत्ता चांदी का ग्लास खा गया। ग्लास? अरे ढोकला बेटा, ये क्या किया तुमने?
तुम्हें पता है कितनी महंगी चीज थी? महेश बेटा बताओ कितने पैसे दूं मैं तुम्हें उसके? 3,000 रुपए का था। अभी तो इस वक्त मेरे दिल की दवाई के लिए मैंने जो 2,000 रुपए बड़ी मुश्किल से जमा करके रखे हैं वो तुम ले लो, बाकी के मैं तुम्हें बाद में। चलेगा, लाओ 2,000 लाओ। अरे आप कैसे पैसा दे सकते हो? मतलब आपकी क्या गलती है? गलती तो इस ढोकले बेटा तेरी गलती हो गई ना, तू गलती से खा गया ना। बहू हमारे लिए भी कुछ लेके आओ। सलाद लेके आओ बेटा। बेटा बहू बेटा सलाद सलाद सलाद। मेरा एक हथियार इन्होंने खत्म कर दिया तो क्या हुआ? मेरे पास पूरी फौज है और अब एक एक करके इन सब हथियारों से मैं परीलोक पर ऐसे वार करवाऊंगी कि पूरा परीलोक मिट्टी में मिल जाएगा। रानी परी को तो मैं पहले ही समाप्त कर चुकी हूँ, अब बाकी परियों को खत्म करके मैं भयंकर परी को परीलोक की रानी परी बनाऊंगी और फिर बुराई का राज होगा। मेरे नए हथियार से आक्रमण की बधाई देने आई हो मुझे? चिंता मत करो, जल्द ही मेरे रूप के हथियार परीलोक पर फिर से वार करेंगे। अरे नहीं नहीं छल परी, मैं यहाँ तुम्हें बधाई देने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे हथियार क्या तुम खुद भी परीलोक में नहीं जा पाओगे। छल परी के संगीत को गूंजने से कैसे रोकेंगी परियां? सुनहरे ताले से। सुनहरा ताला? हाँ, बालवीर और परियां तुम्हारे आक्रमण की वजह से सुनहरा ताला लाने के लिए सुनहरे लोग जा रही हैं। और एक बार वो सुनहरा ताला परीलोक के द्वार पे लग गया तो परीलोक पे ऐसा कवच चढ़ जाएगा जिससे तुम क्या कोई भी बुरी शक्ति परीलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, तो फिर हमें वो सुनहरा ताला चुराना ही पड़ेगा। और पड़ेगा जाना उसके लिए हमें सुनहरे लोक में। चलो। नहीं, हमारी बुराई के सुर सुनहरे लोक नहीं जा सकते। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही परियां सुनहरे ताले को परीलोक लेकर आएंगी हम उसे वहां से चुरा लेंगे। छल परी, उस सुनहरे ताले को चुराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाल परी सुनहरे ताले को लाते ही सीधा परीलोक के द्वार पे लगा दे। नहीं लगा पाएगी, क्योंकि दिन के 2 पहर बीत चुके हैं और जब तक बाल परी सुनहरे ताले को सुनहरे लोक से लाएगी तब तक 3रा पहर भी बीत जाएगा और दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा? यही फर्क है तुम्हारी अकल के सुरों में और मेरे सुरों में। सुनहरे ताले जैसी जादुई और चमत्कारी चीजों को रात के अंधेरे में स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए बाल परी को सुनहरे ताले को परीलोक के द्वार पे लगाने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही बाल परी रात को सुनहरे ताले को जहां कहीं भी रखेगी मैं उसे वहां से चुरा लूंगी। वाह छल परी वाह, ये क्या बनाई योजना आपने, एक ही बार में परियां चारों खाने चित।
दिल खुश कर दिया आपने छलपरी। दिल तो भयंकर परी का खुश होगा ये जानकर कि सुनहरे ताले को पाकर मैं क्या नई धुन बजाऊंगी। तुम ऐसा क्या करोगी छलपरी? तुम्हें तो सुनहरा ताला इसीलिए चाहिए ना, ताकि तुम्हें परियां परीलोक में आने से रोक ना सके। मैं छल हूँ छल, जिस सुनहरे ताले को परियां अपनी सुरक्षा के लिए लाएंगी मैं उसी सुनहरे ताले से उन्हें हराऊंगी। अब मैं बालवीर और परियों को इस कैद खाने में कैद कर दूंगी और इस कैद खाने के द्वार के बाहर वही सुनहरा ताला लगाऊंगा जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं खोल पाएगा और उसके बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा और जाएगी फस और परियां उनके ही लाए हुए सुनहरे ताले की वजह से। सभी अच्छी परियों और बालवीर इस कैद खाने में कैद हो जाएगी और फिर यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और फिर हर तरफ होगा बुराई का राज। परेशान करके रख दिया इसने तो। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं बाबूजी? अरे दिखता नहीं है स्टूल पे खड़ा हूँ। तो क्यों चढ़े हैं? ढोकले के वजह से। ढोकला? बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, आपका ढोकला कोई नहीं खाएगा, आप नीचे आइए। अरे मैं ढोकला खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ढोकले कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। अरे ढोकला 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 ये बता ताऊ जी कहाँ है? वो मुंह हाथ धो रहे वो बाथरूम में, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे उनको टॉवेल लगेगा, साबुन लगेगा, कौन देगा? आप। महेश ये अबे आप मुझे कहें उससे पहले मैं वहाँ उनको साबुन और टॉवेल देके आया हूँ। फिर मैं वहां खड़ा था तो उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने कहा कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने, ऐसे संस्कार दिए हैं? कोई बूढ़ा आदमी मुंह हाथ धो रहा है उसे तुम देखते हो? हाथ मुंह धोते हुए देखते मैं क्या? जाने दे, ये कस्तूरी के महके वाले सब ऐसे ही। महेश भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे। एक काम कर, तेरी रूम में ढोकले रखवा दे चूहों के लिए। अरे महेश मजाक कर रहा हूँ बाबूजी, मजाक कर रहा हूँ। मैं करूँ मजाक? सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। जल्दी से ढोकले लेके आ, अब तक मैं आता हूँ। ढोकला? मतलब ढोकला लेके आता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ बाबूजी? अब ढोकला लेके आ। ढोकला महेश जरा इधर आना। हाँ ए रॉकी मेरे कमरे में बाबूजी के लिए ढोकला लेके जा। अच्छा नहीं खाना तो हो गया। हाँ लगता है बाबूजी ढोकले से दोस्ती करना चाहते, मैं अभी इसे लेके जाता हूँ। ढोकला चलो चलो ढोकला ढोकला चलो ढोकला आजा 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 आजा। ठीक यहाँ क्या कर रहा है? आपके लिए ढोकला छोड़ने आया। ढोकला छोड़ दिया अंदर? वेरी गुड बेटा वेरी गुड, जा 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 जा, अब मजा आएगा ढोकला खाने का। क्या माँ अब हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या यही पे है वो सुनहरा ताला? नहीं बालवीर, सुनहरा ताला तो सुनहरे लोक में है, इस कमरे में तो सुनहरे लोक तक जाने का रास्ता है। लेकिन बालपरी यहाँ रास्ता कहाँ है? इस संदूक में।
संदूक में है वहां जाने का रास्ता। अच्छा हुआ कि मैंने ये रास्ता देख लिया। परियों, अब ये खबर मैं जाके छल परी को दूंगी और छल परी को अपने साथ यहाँ पे लेकर आऊंगी। तो चले बालवीर। हाँ चलो डुबा डुबाइक चलो। अरे डुबा डुबाइक रुको, आप वहाँ नहीं जा सकते। सुनहरे लोक में सिर्फ परियां ही जा सकती है। आप यहाँ रहकर यहाँ की सुरक्षा कीजिए। क्या है बाल परी, था जाना मुझे भी। डुबा डुबाइक, बाल परी ने समझाया ना, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अगर संभव होता तो हम तुम्हें जरूर ले जाते। होता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा। परियो, अंधेरा होने से पहले हमें वो सुनहरा ताला यहाँ ले आना होगा। जी बाल परी। हमेशा छोड़ के चले जाते हैं मुझे। चलो डुबा डुबा एक करो, तुम सिर्फ सुरक्षा है। यही सही समय है, अब भी जाकर छल परी को यहां लेकर आती हूं। हाँ, अब यहां बैठ के मैं आराम से ढोकला खा पाऊंगा। कम से कम वो कुत्ता ये कमरे में तो नहीं आएगा। कमाल का कुत्ता, नाम क्या ढोकला। कुत्ते का नाम कभी ढोकला होता है तो इंसान खाएगा क्या कुत्ता। गुस्सा तो ऐसा आता है तो उस कुत्ते को पकड़ के पहाड़ी पे छोड़ के आऊं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। काम करता हूं तो है ना, जंगल में छोड़ के आता, दूर दूर अंतर तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन फिर मैं ही गुम हो जाऊंगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, क्या करूं। म्युनिसिपैलिटी वाले से कहता हूं कि आम कुत्ते की तरह इसे लेके जाए और बांध के रखे। बहुत कुत्ता कुत्ता हो गया, आया हूँ यहाँ ढोकला खाने। रोकी ने ढोकला कहाँ रखा है, कहाँ रखा है ढोकला। बेटा तूने सुना तो नहीं ना मैंने तुझे कुत्ता कहा। बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने विशदार शक्ति से अभी रोशनी करती हूँ, या फिर हम अग्नि प्रकट करके भी यहाँ रोशनी कर सकते हैं। नहीं नहीं विशदार परी, भटकाती परी, आप रुक जाइए। आपके विशदार शक्ति से और अग्नि के मशालों से इस गुफा को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये गुफा दोनों तरफ से बंद हो जाएगी। तो फिर क्या करें बाल परी, बिना रोशनी के तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बढ़ेंगे और रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे बालवीर? मैं आपको दिखाता हूँ। हे नटखट परी, जैसे खुशी में हम सब लगते हैं हंसते, वैसे ही हम सब लगे जुगनू की तरह चमकने।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।